नमस्कार, इंडियन फूड में डिजी में आपका स्वागत है। नवरात्रों के चलते आज हम एक झटपट और आसान रेसिपी बनाएंगे, तो आज की वीडियो है नवरात्रि स्पेशल चिल्ला रेसिपी। इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, तो चलिए चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप जरूर देख पाए। नवरात्रि स्पेशल चिल्ला बनाने के लिए हमने लिया है नवरात्रि के व्रत में खाए जाने वाला सिंघाड़े का आटा, बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, व्रत में खाए जाने वाला सेंधा नमक, बारीक काटा हुआ धनिया, अजवाइन, पानी और रिफाइंड ऑयल। नवरात्रि स्पेशल चिल्ला बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। बताई गई सामग्री से 2 से 3 चिल्ले बनकर तैयार होंगे। चिल्ला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1/2 कप सिंघाड़े का आटा डालें। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें। बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच व्रत में खाए जाने वाला सेंधा नमक और तकरीबन 2 चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया डालकर मिला दें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, ताकि इसमें आटे के लम्स ना बन पाए। चिल्ला बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। चिल्ला पकाने के लिए तवा गरम करें और उस पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाकर फैला लें। इस पर तैयार किया हुआ मिक्सचर डालकर इस तरह फैला दें। हम नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने कम तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप सिंपल तवे का इस्तेमाल कर रहे हो तो ज्यादा तेल लगाएं, नहीं तो चिल्ला तवे से बहुत ज्यादा चिपकेगा। चिल्ले को पलटने से पहले अच्छे से पकाएं, नहीं तो पलटते समय चिल्ला टूट सकता है। अब इसे हम बारी बारी पलटकर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। जब चिल्ला दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए, तब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसी तरह तवे पर रिफाइंड ऑयल लगाकर बाकी के बैटर के भी चिल्ले बनाकर तैयार कर लें। गर्मा गर्म, स्वादिष्ट और बहुत इजी नवरात्रि स्पेशल चिल्ला आलू की सब्जी या रायते के साथ सर्व करें। इस चिल्ला रेसिपी में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स नवरात्रों के व्रत में खाने के लिए बिल्कुल सही हैं, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक बटन को जरूर दबाएं और रोज एक नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।